नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल केवल फिल्म मशीन पे। आज मैं आपको उषा का स्टेचुअल मॉडल है उसके बारे में फीचर्स बताऊंगा और डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा स्लाइड करके ये बॉक्स आगे से निकालेंगे। सामने इसके बॉबिन गेज लगा हुआ है, इसको निकालेंगे। बॉबिन फिल करने के लिए इसको यहाँ पे लगाएंगे बॉबिन को, और थ्रेड इसमें पीछे लगेगा यहाँ पे। फर्स्ट इधर आया, सेकंड इस नॉब में, और इसमें पीछे से 5-6 बार इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये जो धागा इसको अच्छे को कट कर देंगे। बॉबिन लगाने के बाद इस व्हील को पकड़े रहेंगे और इस व्हील को हल्का सा लूज कर देंगे। देन फिर इसका फुट पैडल प्रेस करेंगे। ये देखिए फिल हो रही है। इससे क्या होगा, जब मशीन ही चलेगी खाली बॉबिन फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद इसको लेफ्ट कर देंगे। व्हील को वही पकड़ के इसको टाइट कर दिया। दोबारा बॉबिन को हमने इसमें बॉबिन में लगा दिया गेस में। बॉबिन गेस लगा देंगे। थ्रेड डालने के लिए थ्रेड फॉक्स में ऐसे ही आएगा। सेकंड यहाँ से यूटर्न, सेकंड नीचे ले आके थर्ड यूटर्न लेना, फिर वापसी ऊपर ला के ऊपर आएगा। फिर टेकअप लीवर, इसको उसके अंदर थ्रेड डाल के नीचे से दोबारा ले जाके नीचे सामने नडल में डाल लें। ये इसमें थ्रेड टेंशन है, धागा टाइट या लूज करने के लिए काम आता है। ये इसमें डिज़ाइन सिलेक्टर है, यहाँ पे ABCD दे रखा है। इसमें सीधी सिलाई और जिगजैग होता है खाली। ये इसमें लेंथ के लिए, ये इसमें रिवर्स पैटर्न के लिए आएगा। अब चला के देखते हैं इसमें नॉर्मल स्टिच। यहाँ पे स्टिच का रखा है यहाँ से ए पे, और यहाँ पर लेंथ रखना है जितना आपको चाहिए। इसी में हम सी वाला पैटर्न चलाएंगे इसी लेंथ में। कढ़ाई वाला भी स्टिच इसी में होगा। ये देखें, ये कढ़ाई वाला, ये zigzag, और ये सीधी सिलाई। पीको के लिए इसमें पीछे से प्रेस करके इसको निकाल लेंगे। ये पीको का पहला जगह है। पीको के लिए सिलेक्टर सी रहेगा, इसमें लेंथ 2 पे रखनी है। पीको का पैर लग जाएगा, हाथ से चलाया एक दो बार, किनारे पे खड़ा रखना है उसको। पिको बटन लगाने के लिए इसमें अंदर एक स्लाइड सिस्टम होता है, नीचे करके उसको राइट करना है।
ये देखिए ये वाला सिस्टम होता है इसका, इसको नीचे करके मैंने राइट इस खाँचे में फंसा दिया, इसी के ओर टीथ नीचे बैठ गए होंगे और इसी में हम बटन स्विच कर सकते हैं, इसलिए नॉर्मली पैर लगाना है। बटन लगाने के लिए इसमें दोनों होल दो ऊपर के राइट एंड लेफ्ट रख लें, इस बड़ो जिगजैग होल में दिखने चाहिए। सिलेक्टर बी पे रखा, हाफ से चला के देखा, फिर बी और सी के बीच में रखेंगे थोड़ा सा, दोनों में जाएगा ये जिगजैग। ओके हाफ से चलाने के बाद ही तभी चलाएं। ऊपर वाला लग गया, अब नीचे वाले दो होल में कवर होगा, हाफ से चला के देखें। हाफ से चलाने के बाद ही तभी चलाएं, फिर अगेन दोबारा बी कर दें, ये एक ही जगह पे लॉक हो जाएगा। ये देखिए उसमें बटन लग गया। उषा का जो आपने मॉडल देखा है इसमें सिर्फ सीधी सिलाई और जिगजैग ही होता है, तो उसमें अटैच होंगे खाली पीको का दे रखा है। इसमें मोटर इनबिल्ट भी आती है और विदाउट भी आती है, तो ये इसमें दोनों ऑप्शन है। आप एक तो इसमें आप बेस के साथ रख के चला सकते हो इस तरह से जैसे मैंने रखी हुई है, दूसरा आप इसको स्टैंड पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये स्टैंड पर भी आपकी मशीन चलाती है, और या मोटर लगी हुई है इसमें तो बिजली से भी चला सकते हो, और पैर से अगर चलाना चाहते हो तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी पैर से आपकी चल जाएगी। इसमें कंपनी 2 साल की वारंटी देती है और 2 डेमोस्ट्रेशन है। यहाँ पे मैंने इसका प्राइस 11,200 रुपये रखा है, बाकी कोई आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पर जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कुछ भी आपको पूछना हो मशीन के बारे में या किसी अदर मशीन के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक और डिटेल्स दे रखी है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।